नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 6 जुलाई तक बढ़ा अनलॉक का दायरा। वैक्सीनेशन महाअभियान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। बिहार बंगाल की सीमा के पास बनेगा 4 एकड़ में ट्राइबल फूड पार्क। 12वीं की ऑफलाइन वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितम्बर के बीच। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 6 जुलाई तक बढ़ा अनलॉक का दायरा। बिहार में कोविड-19 के वर्तमान मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से अनलॉक के दायरे को 6 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बार बाजार में पाबंदियों में छूट दी गई है, और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और बताया है कि 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही दुकान सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेगी। रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पार्क और उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे तक खुल सकेंगे। सोमवार की शाम आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अफसरों ने अगले 1 सप्ताह के आदेश की रूपरेखा तय की है। आपदा प्रबंधन समूह से पहले मुख्यालय स्तर के जिलों के डीएम से फीडबैक भी लिया जा रहा था। अफसरों का यह मानना है कि अब तक मिली छूट के बाद भी बाजार में काफी भीड़ है, ऐसे में छूट का दायरा धीरे धीरे ही बढ़ाना ठीक होगा। बिहार में कोविड-19 के मिले 250 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 245 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3016 पर पहुंच गई। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 6, अरवल में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 4, भोजपुर में 4, दरभंगा में 8, ईस्ट चंपारण में 4, गया में 6, गोपालगंज में 30, जमुई में 20, कटिहार में 4, खगड़िया में 9, किशनगंज में 4, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 4, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 7, नालंदा में 20, पटना में 27, पूर्णिया में 18, समस्तीपुर में 12, सारण में 7, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 8, सुपौल में 8, वैशाली में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 86,154 सैंपल की जांच की गई है। वहीं 410 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। IBPS ग्रामीण बैंक में 1,000 पदों की हुई बढ़ोतरी। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। IBPS की तरफ से ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1, जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, IT ऑफिसर स्केल 2, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल 2, लॉ ऑफिसर 2, ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2, एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 पदों पर नियुक्ति निकाली गई है। इस बाबत बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि IBPS ने हाल ही में ग्रामीण बैंकों में होने वाले भर्ती के लिए लगभग 1,000 पद बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद अब कुल मिलाकर 11,687 नहीं बल्कि 12,958 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस बाबत IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यकारी सहायक और अधिकारी स्केल 1, 2 और 3 की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 जून तक इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट IBPS.IN पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। राज्य में टीकाकरण अभियान को तेज रफ्तार से चलाने के लिए सरकार ने प्रखंड स्तर तक के टास्क फोर्स का गठन किया है। इसी क्रम में वैक्सीनेशन अभियान को और रफ्तार देने के लिए बिहार में महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत की है, जिसके बाद अब बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने का लक्ष्य सरकार की तरफ से तय किया गया, जिसका नाम कर दिखाएगा बिहार रखा गया है। आपको बता दें, बीते दिन महाअभियान की शुरुआत के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें आधिकारिक तौर पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अविनाश तिवारी की। अविनाश तिवारी का जन्म 15 अगस्त 1985 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। अविनाश तिवारी एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। वो साजिद अली और इम्तियाज अली द्वारा रोमांटिक फिल्म लैला मजनू में प्रमुख भूमिका के साथ 2018 में प्रमुखता में उभरे थे। सत्य की भूमिका में बुलबुल नेटफ्लिक्स मूवी 2020 में उनके हालिया प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों की तरफ से प्रशंसा मिली थी। अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बैरी जॉन के अभिनय स्टूडियो में प्रवेश लिया गया था और बाद में न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में चले गए थे। संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों के मामले में हलफनामा दायर करने के लिए 3 हफ्ते का मिला समय। पटना हाईकोर्ट ने कोविड-19 के माहौल से संबंधित मामलों पर बीते दिन जन सुनवाई अधूरी छोड़ दी। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान सरकार को 3 सप्ताह में संविदा पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के संबंध में हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया गया। जानकारों की माने तो हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संविदा पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के बारे में पूरी जानकारी की मांग की गई। हालांकि इस दौरान पूरे राज्य में कोविड कचरा नष्ट करने के मामले में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से हल्फनामा दायर नहीं किया गया। इस वजह से यह मामला
टल गया है, जिसके बाद आज एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होने की उम्मीद जताई गई है। बिहार बंगाल की सीमा के पास बनेगा 4 एकड़ में ट्राइबल फूड पार्क। बिहार सरकार अनुसूचित जनजाति के उत्थान और क्षेत्र विकास के उद्देश्य से लगातार कई कदम उठाती रही है। इसी क्रम में किशनगंज जिला में बसे अनुसूचित जनजाति के उत्थान को लेकर भी पेठिया के हल्दा में ट्राइबल फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर 4 एकड़ जमीन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त से आदेश मिलने के बाद जमाबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की योजना धरातल पर आने से जिले के अनुसूचित जनजातियों का कायाकल्प होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, निर्माणाधीन फूड पार्क में उत्पादित होने वाली चाय पत्ती, अनानास, केला, आम, मकई, धान, पाट, लहसुन जैसी सामग्री और उसे तैयार व्यंजन और अन्य वस्तुओं की पैकिंग की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि पेठिया प्रखंड के 22 पंचायत में लगभग आधा दर्जन पंचायतों में इस जनजाति वर्ग के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। इसके निर्माण में इस वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर ललन सिंह ने दिया बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस कारण से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, इस बात का कोई आधिकारिक खुलासा तो नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सब गलत हैं। अटकलेबाजी पर राजनीति नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निजी यात्रा पर दिल्ली जा रहे हैं। वो अपनी आंख का इलाज करवाने को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का मंत्रिमंडल विस्तार से कोई लेना देना नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के शामिल होने के सवाल पर जदयू सांसद ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार करना है या नहीं करना, ये पीएम का विशेषाधिकार है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। बिहार में अब पुलिस वालों को खिलाई जाएगी कबड्डी। बिहार पुलिस में शामिल पुलिसकर्मियों को स्वस्थ बनाने की कवायद शुरू होने वाली है। बिहार पुलिस में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी की तोंद काफी ज्यादा बाहर आ गई है तो कोई बीपी और शुगर से पीड़ित है, जिसका सबसे ज्यादा मामला मगध रेंज में देखने को मिलता है। जो यही कारण है कि मगध रेंज में पुलिसकर्मियों को खेलकूद से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत आईजी अमित लोढ़ा ने पुलिसकर्मियों को फिट रखने के लिए सराहनीय पहल की है। उसको लेकर उन्होंने बिहार के डीजी को लेटर भी लिखा है और पुलिसकर्मियों को खेलकूद से जोड़ने की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार इसमें एसएसपी से लेकर सिपाही तक हिस्सा लेंगे। सूत्रों की माने तो कबड्डी के अलावा इसमें वॉलीबॉल और फुटबॉल को भी जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, अनुमंडल स्तर पर टीम बनाई जाएगी। अनुमंडल स्तर पर कई दौरे की भिड़ंत के बाद जिला स्तरीय टीम का गठन किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर टीमों में भिड़ंत होगी। बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू। बिहार में आए दिन साइबर अपराधियों का उत्पात देखने को मिल जाता है। हालांकि अब साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, आम नागरिकों को भी इस पहल में सामने आकर साथ देने की नसीहत दी गई है, जिसके तहत अगर आप भी साइबर ठगी के शिकार हुए हैं तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके बाद का सारा काम साइबर सेफ और साइबर क्राइम सोशल मीडिया यूनिट करेगा। आपको बता दें, साइबर सेफ केंद्र सरकार की यूनिट है, जिसके तहत यह यूनिट आपसे धोखे से लिए गए पैसे को वापस अकाउंट में लौटाने का काम कर देगी। जानकारी के अनुसार अगर पैसा ठगी हो जाता है और पैसा पाइपलाइन में चला जाता है तो वो पैसा मेरी जानकारी के अनुसार अगर पैसा ठगी हो जाता है और पाइपलाइन में पैसा अटका होता है तो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको हेल्पलाइन में कॉल करना होगा। वहां से आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि जानकारियां मांगी जाएंगी। इसके साथ ही साइबर क्राइम सोशल मीडिया यूनिट के काम करने का तरीका अलग है। इसकी मदद लेने के लिए इस यूनिट में जाकर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। बारहवीं की ऑफलाइन वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच सीबीएसई की तरफ से बारहवीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला सुनाया गया था। हालांकि कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जो सीबीएसई के इस फैसले से संतोषजनक नहीं दिखाई दिए। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए सीबीएसई ने ताजा हलफनामा पेश किया है, जिसके तहत सीबीएसई ने अदालत में कहा कि परिणाम की गणना के संबंध में छात्रों के विवाद के लिए सीबीएसई की तरफ से एक समिति का गठन किया जाएगा और कक्षा 12वीं के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। वहीं सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 12वीं कक्षा के छात्र जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उनके पास 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित होने वाले ऑफलाइन वैकल्पिक परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा, लेकिन सितंबर में होने वाली ऑफलाइन वैकल्पिक परीक्षा में प्राप्त अंक अंतिम होंगे। तेजस्वी के साथ राजद विधायक की फोटो ने मचाया बवाल। बिहार में साइबर अपराधियों का उत्पात लगातार जारी है। साइबर अपराधियों के निशाने पर बड़े चेहरे हमेशा से देखने को मिले हैं। इसी क्रम में इस बार वैशाली जिले के महुआ विधानसभा के राजद विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को साइबर अपराधियों ने अपना निशाना बनाया, जिसके तहत उनकी फेसबुक आईडी का क्लोन बनाकर लोगों से पैसे मांगने का काम किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार राजद विधायक की फेसबुक आईडी से अचानक मदद की मांग शुरू हो गई। लोगों से पैसे मांगे जाने लगे। अचानक लोगों के मैसेंजर पर महुआ विधायक के आईडी द्वारा पैसे की मांग से लोग अचंभित हुए।
एक ही नहीं बल्कि कई लोगों के पास SMS आने शुरू हो गए जिसमें उनसे भारी भरकम रकम मांगे गए। इसके साथ ही कई लोगों ने राशि भी भेज दी, लेकिन कुछ समय बाद जब लोगों को शक हुआ तो इसकी जानकारी विधायक को दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और इसकी शिकायत हाजीपुर सदर थाना के अधिकारी के पास दर्ज करा दी गई। बिहार में 297 दरोगा और ASI का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित 70 दरोगा और 227 सहायक अवर निरीक्षक का ट्रांसफर शामिल है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक मगध प्रक्षेत्र के जिलों में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक का स्थानांतरण किया गया है। इन्हें गया, नवादा, अरवल, औरंगाबाद और जहानाबाद जिले में भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही से लेकर दरोगा कोटी तक के पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। बिहार में एक बार फिर से डॉक्टरों की छुट्टी हुई रद्द। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए आदेश के अनुसार डॉक्टरों स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां एक बार फिर से 30 जून तक रद्द कर दी गई हैं, जिसके तहत कोरोना को देखते हुए डॉक्टर संविदा सहित मेडिकल अफसर से लेकर निदेशक प्रमुख एवं सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्राचार्य अधीक्षक सभी स्वास्थ्यकर्मी GNM ANM शल्य कक्ष सहायक लैब टेक्नीशियन और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हालांकि विशेष परिस्थिति में सिर्फ अध्ययन और मातृत्व अवकाश का लाभ भी मिल सकेगा। विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि जो डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी अवकाश पर है वे तत्काल प्रभाव से अपने पद पर योगदान करें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जब से COVID-19 की शुरुआत हुई है तब से ही डॉक्टरों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। गंडक बागमती के बाद अब गंगा का भी बढ़ा जलस्तर। बिहार में नदियों के आसपास के इलाकों में बाढ़ की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मॉनसून की शुरुआत से ही गंडक और बागमती नदी में पानी का स्तर बढ़ने की खबरें सामने आ रही थी। वहीं अब गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ने की बात कही गई है, जिसके तहत पटना और भागलपुर इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि गंडक में पानी बढ़ने से मुजफ्फरपुर, चंपारण और गोपालगंज के करीब कई घरों में पानी घुस गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बक्सर और वैशाली समेत 8 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मेरी जानकारी के अनुसार पटना में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। पटना में गंगा का जलस्तर महज बीते दिन 24 घंटे में कुल मिलाकर के 2.67 मीटर बढ़ गया। बिहार STET की तरफ से साइंस, उर्दू और संस्कृत विषय का परिणाम हुआ जारी। बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2019 के बाकी बचे 3 विषयों के परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत बचे हुए 3 विषय संस्कृत, उर्दू और विज्ञान के परिणाम बीते दिन जारी किए गए हैं। जिसके तहत अब आप अपना परिणाम जानने के लिए सबसे पहले BSEBSTET2019.in पर विजिट करें। इसके बाद रिजल्ट वाले ऑप्शन पर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के टाइप कर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, साल 2019 में ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाली के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसके बाद जनवरी 2020 में परीक्षा ली गई थी। बिहार में हुआ 5 इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन। बिहार को बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस की सौगात दी है। किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज अभियंत्रण महाविद्यालय कैंपस की शुरुआत की गई है। इस बाबत बिहार के विज्ञान एवं प्राविधिक विभाग के मंत्री सुमित कुमार ने कहा कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ पढ़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि कई और अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में छात्रावास निर्माण और अरवल पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए भवन निर्माण की आधारशिला रखी गई है। मिली जानकारी के अनुसार 446 करोड़ रुपए की लागत से इन सभी 5 इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया गया है। भोजपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पकड़ा गया रंगे हाथ। भोजपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बीते दिन 80,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक BEO अभय कुमार ने पीरो के हसन बाजार इलाके के नारायणपुर मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल अजय कुमार का वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद सस्पेंशन रद्द करने और उन पर लगे वित्तीय अनियमितता के मामले को रफा दफा करने के बदले BEO ने 80,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। BEO की रिश्वत की डिमांड की सूचना नारायणपुर मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल अजय कुमार ने निगरानी की टीम को दी, जिसके बाद सोमवार की दोपहर जैसे ही BEO ने रिश्वत के पैसे लिए तभी निगरानी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। देशभर में टीकाकरण के मामलों में टॉप 10 की सूची में शामिल हुआ पटना। देशभर में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, वहीं इस मामले में राजधानी पटना ने बाजी मार ली है, जिसके तहत कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव हेतु संचालित टीकाकरण अभियान के लिए पटना जिले को देश के टॉप 10 जिलों में शामिल किया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी को बधाई दी है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिले के तमाम अधिकारियों एवं कर्मियों ने इस उपलब्धि के लिए जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन की सराहना की है तथा उन्हें शानदार उपलब्धि की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। 4 दिन में सिर्फ 141 ओवर का हुआ खेल। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जहां
पर भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे से आमने सामने है। हालांकि बारिश के कारण पूरा मैच खराब होता नजर आ रहा है। पहला दिन बारिश के कारण रद्द हुआ, दूसरा दिन टॉस हुआ तो बारिश के चलते खेल पूरा नहीं हो पाया, तीसरे दिन भी खराब रोशनी की वजह से मैच जल्दी खत्म कर दिया गया, वहीं चौथे दिन भी बिना कोई गेंद फेंके खेल को रद्द करना पड़ा, जिसके बाद आईसीसी ने छठे दिन यानी कि रिजर्व डे के लिए खास तैयारी शुरू कर दी। इस बाबत आईसीसी के एक सूत्र ने कहा है कि जी हां, छठे दिन के टिकट के दाम कम किए जाएंगे और ब्रिटेन में खेले जाने वाले टेस्ट मैच के लिए एक प्रचलित मानक है। लोजपा की लूट पर आरसीपी सिंह ने दिया बयान। लोजपा में जारी पारिवारिक कलह के बीच पार्टी दो फाड़ में बट गई है, जिसके तहत अब पार्टी में एक चिराग खेमा और दूसरा पशुपति पारस खेमा मौजूद है, जिसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति गर्म नजर आ रही है। वहीं बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते दिन जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चिराग को अगर शेर का बेटा कहा जाता है तो रामविलास के भाई भी शेर ही होंगे, वो कुछ कैसे हो सकते हैं। कभी चिराग पासवान खुद को शेर का बेटा कह देते हैं, कभी खुद को अनाथ बता देते हैं। अब यह समझ नहीं आ रहा कि वो अगर शेर के बेटे हैं तो अनाथ कैसे हुए। शेर कभी अनाथ नहीं हो सकता। आरसीपी सिंह ने पशुपति पारस की मोदी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है कि कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा। शरद पवार प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद दिल्ली में बढ़ी सियासी हलचल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार की दिल्ली में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ हुए बीते दिन एक बार फिर से बैठक हुई, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसके तहत इस मुलाकात को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। जिसके बाद आज 4 बजे के आसपास दिल्ली में एनसीपी चीफ के घर बैठक होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। इस बैठक में पवार पहली बार शामिल होंगे। संभावना है कि इस बैठक में पवार और यशवंत सिन्हा के अलावा विपक्ष के कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब शरद पवार किसी राष्ट्रीय की बैठक में शामिल होंगे। इन 5 तरीकों से आप अपने स्मार्टफोन को बना सकते हैं फास्ट। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्मार्टफोन समय के साथ धीमी गति से काम करने लगता है। हालांकि आज हम आपको ऐसे 5 तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, जिसके तहत आप अपने स्मार्टफोन को तेज बना सकते हैं। सबसे पहले आप समय समय पर अपने कैश को जरूर क्लियर करते रहें, जिसके साथ ही अब जब आप कोई नया फोन लेते हैं तो शुरुआत से लेकर आखिर तक कुछ महीने के अंतराल पर कंपनी आपके स्मार्टफोन पर अपडेट भेजती रहती है। आप समय समय पर अपने फोन को चेक करें कि क्या आपके फोन के लिए कोई अपडेट उपलब्ध है, अगर हाँ तो फोन को अपडेट जरूर करें। इसके साथ ही फोन में अनयूज्ड एप्स को अनइंस्टॉल करके हटाएं। इसके साथ ही आप अपने फोन के स्पेक्स के हिसाब से ही अपने वॉलपेपर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही फोन का इंटरनल स्टोरेज कई मायनों में आपके फोन को फास्ट बनाने में मदद करता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने स्टोरेज को हमेशा फ्री रख सके ताकि आपका स्मार्टफोन स्लो ना हो। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। साल 2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया। साल 2016 में इसरो ने अंतरिक्ष में 20 उपग्रह को लॉन्च करके इतिहास रचा था। साल 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को अपना वारिस घोषित किया। साल 1939 में नेता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। साल 1900 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का जन्म आज ही के दिन हुआ था। साल 1932 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी का जन्म हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,220 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,220 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 99.78 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.77 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, अजय कुमार, संजय मंडल, रामनाथ भगत, ऋतिक कुमार, कुमार जौहर, हुसैन, विराट कुमार नवादा, आनंद कुमार, गौरव कुमार, प्रेम रंजन, दीपक कुमार, विपिन कुमार, नितेश जी कुमार, शंकर कुमार, प्रेरणा चंचल, अंजलि कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार COVID-19 के वर्तमान मामलों को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया को 6 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला सही है या नहीं। अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।